हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं हमारे चैनल। तो अभी हमने फिजिक्स में क्लास 12 का जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स हमारा होता क्या है। देखिए, जब भी आप गॉस लॉ सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स आपका निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले फ्लक्स का कैलकुलेट होना, जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक सा डेफिनेशन हमारा होता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग टू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या इसके दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों डेफिनेशन में एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है नॉर्मली का, परपेंडिकुलर का। देखिए, पहला डेफिनेशन ये बोला टोटल फील्ड लाइंस पासेस टू एन एरिया। दूसरा ये डेफिनेशन ही बोलता है टोटल फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मली टू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड दोनों डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है अगर हम नॉर्मली की बात करें, ये जो टर्म है, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, तो इसको बताने से पहले हम सबसे पहले चलेंगे एरिया के बारे में। एरिया हमारा होता क्या है, तो एरिया होता क्या है, आपको पता है कि जब भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो एरिया हमारा जो होता है बेसिकली स्केलर होता है, ठीक है। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आपको बता दूं मैं, स्केलर का मतलब ये होता है ओनली मैग्नीट्यूड। सपोज अगर हम किसी सर्कल की बात करते हैं या किसी स्क्वायर की बात करते हैं, सर्कल सपोज इसका रेडियस आर है और इसका डायमेंशन ए है, ए है, तो इसका जो एरिया हमारा होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें हमारा जो एरिया होगा ए स्क्वायर। आप यहाँ पे आई जे कैप पुट नहीं करते हैं क्योंकि हमने बोल दिया मैथमेटिक्स में आप इसको स्केलर मान के चलते हैं, स्केलर ही होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एरिया हमारा जो है आई कैप जे कैप, ऐसा आप इतना ही मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका। दैट मीन्स एरिया हमारा जो होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन लेकिन एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है कहाँ पे, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पे हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स की डिस्कस करते हैं, उस केस में हमारा जो एरिया होता है एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करना चालू होता है। बेसिकली ये बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक रहा है। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में समटाइम्स हम लोग एरिया वैक्टर ले लेते हैं और मैथमेटिक्स में जनरली हम स्केलर लेते हैं, वाली मैग्नीट्यूड। वैक्टर का मतलब ये होता है विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरिया के बारे में डिटेल हम लोग, ठीक है। हम एरिया वैक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर में अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर में ये बोलता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है सरफेस के 90 पे होता है। सपोज अगर हम एक्स वाई जेड, ये हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और ये हमारा जो होता है एक्स वाई प्लेन होता है, ये मेरा वाई जेड प्लेन होता है एंड जेड एक्स मेरा प्लेन है, इसको बोलते हैं आई जे और इसको के बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, सपोज हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल ड्रॉ किया सपोज सर्कल का रेडियस हमारा क्या है आर है, तो इसके हमारे जो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसा। लेकिन अगर हम फिजिक्स में इसको थोड़ा सा और डील करें तो हम इसको लिखेंगे सीधा के कैप, या एरिया हमारा जो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। जब हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं तो के क्या का मतलब ये हुआ। अब देखिए, पहले सर्कल हमारा जो है एक्स वाई प्लेन में है, पहले आपको प्लेन समझना होगा, प्लेन हमारा होता क्या है। एक्स वाई प्लेन में है ये सर्कल, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, हमने बोला है जो एरिया हमारा होगा उसका जो डायरेक्शन होगा सरफेस का 90 पे होना चाहिए। अब इसका जो सरफेस है उसका 90 किधर है, इधर ये वाला पार्ट बाहर या तो अंदर। जेड आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 90 पहले आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ये टू डायमेंशन बॉडी है। अगर इसको हम 3D में देख लें तो ये हमारा जेड हमारा पॉइंट दिखेगा ऐसे,
क्योंकि हम जेड को ऐसे ला नहीं सकते हवा में, ठीक है। तो जेड हमारा जो होगा वो क्या होता है, ऐसे दिखाते हैं इसको, तो एरिया हमारा ऐसा होता है। तो एरिया बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है कब, अगर हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। तो जब भी आप एरिया से डील करते हैं, जब भी आप एरिया से डील करते हैं, तो आपको ये मान के चलना होगा फिजिक्स में कि मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, आपको यहाँ डायरेक्शन मेंशन करना होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जब भी आप पढ़ेंगे आपको ये देखना होगा कि जो भी मैग्नीट्यूड आपका आने वाला है वो सरफेस के 90 पे होगा। हमने बोला कि द टोटल फील्ड लाइंस पासिंग टू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए पहला अगर टॉपिक की बात करें हम, अगर हम पहला डेफिनेशन की बात करें, सपोज मेरा फील्ड लाइन है, सपोज हमारे फील्ड लाइन है, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये हमारा क्या फील्ड लाइंस है, कौन सा फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला डेफिनेशन ये बोलता है कि द टोटल फील्ड लाइंस पासिंग टू एन एरिया, सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ऐसे रखा, और सपोज हम यही ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखते हैं, देखिए दोनों हमारा क्या है, ये जो सरफेस है दोनों का सरफेस हमारा क्या सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन हमारा क्या अलग है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 पे हमने रखा इसको, इस सरफेस को, ठीक है। तो ये सरफेस हमारा क्या, ये सरफेस हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 पे है, और ये सरफेस हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन में कुछ एंगल पे है। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ये सेकंड डेफिनेशन बता रहा है, दैट मीन्स जो फील्ड लाइंस पास करेगा नॉर्मली, दैट मीन्स आप देख रहे हैं ये जो फील्ड लाइन पास कर रहा है इस एरिया के 90 पे पास कर रहा है, लेकिन ये जो फील्ड लाइन पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल में पास कर रहा है, दैट मीन्स 90 पे नहीं है। मतलब अगर हम इसकी एरिया वेक्टर के बारे में बात करें इस सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर हमारा सरफेस के 90 पे आने वाला है, लेकिन अगर हम इस एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका सरफेस का 90 पे इधर आएगा मेरा। तो बेसिक से डेफिनेशन ही हुआ, अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत लोगों ने ये मिस्टेक यहाँ पे किया है कि द टोटल फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अगर फील्ड लाइंस सरफेस के 90 पर ही पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सॉरी फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ये डेफिनेशन बहुत कम लोगों ने बताया है कि अगर अगर फील्ड लाइंस एरिया का ओरिएंटेशन भी चेंज कर दें तभी मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड हमारा जो है एरिया को क्रॉस कर रहा है, उसको पास कर रहा है। आप देख रहे हैं सपोज आपका ये कोई सरफेस है, ठीक है, आपका कोई सरफेस है, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है यहाँ से इधर से पास कर रहा, आगे पीछे जा रहा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि यार ये फील्ड लाइंस हमारा ऐसे ही है, अगर हम एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, चेंज कर दें, चेंज करने के बाद क्या होगा, हमारा फील्ड लाइंस हमारा उतना ही पास कर रहा है लेकिन ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो गया। मतलब फील्ड लाइंस हमारा जो होगा एरिया के 90 पे हो, ये तो देखिए अगर एरिया के 90 पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के 90 पे अगर हो गया तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा हमें, लेकिन अगर किसी एंगल पे हो गया हमारा तो फ्लक्स उससे कम हमारा मिलेगा। हम ये सब डिटेल में अभी जानेंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बेसिक से डेफिनेशन की बात करें तो हमारा बेसिक से डेफिनेशन जो होता है वो बोलता है ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर। ये हमारा फ्लक्स का बेसिक से डेफिनेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो आपको पता है डॉट हमारा जो होता है कॉस थीटा को बताता है, दैट मीन्स हमारा जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हमारा हो गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम एनालाइज करेंगे वन बाय वन ये हमारा कैसे होता है। देखिए अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब इंटेंसिटी हमारी जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्स हमारा उतना ज़्यादा होगा। दूसरी बात अगर हम फ्लक्स की बात करें, अगर एरिया मेरा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना मेरा फ्लक्स का वैल्यू होगा। कैसे होगा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी का वैल्यू, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसमें ये हमारा है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फील्ड लाइंस जो इसमें पांच पास कर रही है वहाँ पे क्या हुआ,
आठ पास कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी को बढ़ा दें, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को बढ़ा दें, तो फ्लक्स में क्या क्या होने वाला है चेंजेस हम बताने वाले हैं अभी। सपोज यहाँ पे हमने किसी एरिया को रख दिया, सेम डायमेंशन, सपोज हमने सेम डायमेंशन को एरिया को रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स एक लेमेन की भाषा में बता रहा हूँ आपको, फ्लक्स का मतलब ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस कितना पास करता है किसी पर्टिकुलर एरिया से। हम नॉर्मली की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी एंगल से पास कर सकता है। हाँ यहाँ हमने नॉर्मली दिखा दिया है परपेंडिकुलर पे, लेकिन अब यहाँ देखिए फ्लक्स हमारा कितना होगा, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स कितना पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से। सपोज ये मेरा एरिया था, एक दो तीन, तीन पास कर रहा है, मतलब फ्लक्स हमारा कितना हो गया, थ्री। और इसमें फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमारा कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना ज़्यादा मेरा होगा उतना मेरा फ्लक्स होने वाला है, ये तो पता चल गया आपको। दूसरी बात, दूसरी बात अगर हम बोलते हैं, ये पहला इक्वेशन था, दूसरा ये बोलता है कि अगर हमारा एरिया बड़ा हो गया, अगर हमारा एरिया जो डायमेंशन है इस ऑब्जेक्ट का इसको बड़ा कर दें, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा बेसिकली फील्ड लाइन जो होगा वो ज़्यादा पास करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से। अब देखिए ये मेरा क्या था, पर्टिकुलर एरिया था, सपोज हम इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दें, इस एरिया को थोड़ा सा हम यहाँ बढ़ा दें, आप क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है जितना हमने एरिया बढ़ाया उतना मेरा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। मतलब एरिया को बढ़ाने के बाद एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फ्लक्स हमारा क्या हो, बढ़ गया। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ा दें या एरिया को बढ़ा दें, आपका फ्लक्स बढ़ने वाला है, ठीक है, ये आपका पता चल गया, दो इक्वेशन। दूसरी बात, दूसरी बात क्या बोलता है कि फ्लक्स मेरा प्रोड्यूस तब करेगा, फ्लक्स तब भी मेरा प्रोड्यूस करता है जब किसी ओरिएंटेशन में रहता है। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, ठीक है, सपोज सपोज आपका कोई एरिया है, ये सपोज आपका कोई एरिया ऐसे है, आपको पता है कि एरिया का जो डायरेक्शन है फिजिक्स में इसके 90 पे है, एरिया वेक्टर हमारा सरफेस के 90 पे आएगा। मतलब सपोज आपका कोई सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर हमारा इसके 90 पे आएगा, मतलब इसके 90 पे हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमारा क्या आया, सरफेस के 90 पे आ गया। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है किसी एंगल थीटा से, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ई का दो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ई हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ई बेसिकली अगर हम इनको रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो इसके दो कंपोनेंट आने वाले हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, और हमारा जो सरफेस के पैरेलल हमारा जो आएगा ई साइन थीटा। अब ये दोनों डेफिनेशन का यहां पे मतलब पता चलेगा आपको। बहुत लोगों ने ये क्या बोला है, बहुत लोगों ने ये बोला है कि सरफेस के 90 पे, सरफेस के 90 पे हमारा एरिया वेक्टर तो निकलेगा ही, ये तो आपको पता है। दूसरी बात, ई कॉस थीटा मेरा क्या हुआ, ई किसी एंगल पे था, ई किसी एंगल पे था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था किसी एंगल पे था। अब किसी एंगल पे था तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम नहीं, लोगों ने ये बताया है कि यार सरफेस के 90 से हमारा क्या होता, पास होना चाहिए फील्ड, तभी मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये दूसरा डेफिनेशन के अनुसार से है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यार पहला डेफिनेशन जो है आपका ये सही है, मतलब किसी एंगल से भी पास करेगा तब मेरा फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको जो फील्ड है वो कट कर रहा है। अगर किसी एरिया को फील्ड मेरा कट कर रहा है किसी भी एंगल में, हमें मतलब नहीं है कि वो कौन सा एंगल है, 90 है या 45 है या 30 डिग्री है, हमको पता नहीं। हमने ये बोला कि जो फील्ड लाइंस है, जो फील्ड लाइंस है एंगल पे कट करें या उसका 90 पे कट करें तो हमारा प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस सरफेस के पैरेलल अगर हो गया, ये साइन थीटा वाला जो टर्म है सरफेस के पैरेलल, आप देखिए अगर अगर हम थोड़ा सा विजुलाइजेशन आपको कराएं तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कॉस थीटा, ई कॉस, ई हमारा क्या था, ऐसे था, एरिया वेक्टर हमारा ऐसे है, ठीक है, एरिया वेक्टर हमारा ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी एंगल पर ऐसा दिया हुआ, इसका दो कंपोनेंट हमारा आएगा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब देखिए ई साइन थीटा हमारा जो है सरफेस के पैरेलल है। आपको पता है कि फ्लक्स हमने क्या बोला, फ्लक्स हमने बोला है कि फील्ड लाइंस पास करना चाहिए इस ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे पास नहीं कर रहा, यहाँ पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स हमारा ई साइन थीटा वाला टर्म है वो पास नहीं कर रहा, वो टच कर रहा है, टच करेगा तो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए पास करना जरूरी है, हाँ डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर करें या किसी एंगल पे करें तब मेरा फ्लक्स क्या है प्रोड्यूस होगा। अगर परपेंडिकुलर करता है तो फ्लक्स मेरा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर किसी एंगल पे करता है तो फ्लक्स मेरा क्या होगा, उसे कम करेगा लेकिन फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर अगर उस सरफेस के टच कर रहा है, सरफेस को टच नहीं कर रहा, पैरेलल जा रहा है वो, तो मेरा फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो ई को हम रिजॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। तो बेसिकली फ्लक्स हमारा जो आ जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमारा फ्लक्स। ठीक, ये हमारा हो गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये होता है, फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे आप, 0 डिग्री, तो फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, ई ए कॉस जीरो हमारा कितना होता है, 1। अगर थीटा इक्वल टू हमारा 45 डिग्री पुट करते हैं हम लोग, तो फ्लक्स हमारा कितना होगा, 0 डिग्री पे था, 45 पे हमारा कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 45, दैट मीन्स 1/√3, 1/√2। ठीक है, अब देखिए हम अगर फ्लक्स 90 पे कैलकुलेट करते हैं, ये थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम 90 पे ले आए, 90 पे आए। अगर देखिए ये थीटा हमारा जो था, ये थीटा हमारा जो है एरिया से हमारा क्या है, ई थीटा एंगल बना रहा है। अब फ्लक्स अगर 90 पे कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, दैट मीन्स 0 वैल्यू, थीटा मेरा क्या है 90। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम थीटा को 90 पे ले आए, देखिए थीटा को 0 पे ले आते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, ये फ्लक्स हमारा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और ये जो फ्लक्स हमारा होगा 90 पे वो मिनिमम होने वाला है, ये फ्लक्स हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स अगर अगर सरफेस के 90 से पास कर रहा है तो फ्लक्स मेरा मैक्सिमम होने वाला है, अगर पैरेलल पास कर रहा है तो 0 होगा। अब देखिए थीटा जो एंगल था हमारा, इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। अब ई को हम अगर 0 पे ले आते हैं तो मैक्सिमम, ई को हम 45 पे ले आते हैं तो ई ए बाई रूट टू, अगर हम उसको 90 पे ले आते हैं तो हमारा क्या आएगा, फ्लक्स हमारा 0 आने वाला है। इसका मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए एरिया क्रॉस करना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करेगा। हाँ, एरिया जो क्रॉस करेगा हमारा वो 90 भी कर सकता है हमारा, और किसी एंगल पे भी कर सकता है, फ्लक्स तभी मेरा प्रोड्यूस करेगा। लोगों ने यही मिस्टेक किया है, लोगों ने ये बोला है कि जो टोटल फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली पास करेगा तभी मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है ना। आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ये कहाँ नॉर्मली पास किया, इसमें ये तो 45 में पास किया तभी हमारा फ्लक्स निकल गया ये चीज़। तो हमारा जो डेफिनेशन ये था, ये आपको पता है कि हमारा फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसको, ठीक है, चलिए।